देखिए, अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का क्या टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है। लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता दूं, इंग्लिश में आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, मतलब जिसे पैसेज कहते हैं, शॉर्ट में इसे आरसी कहा जाता है। आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्लास 7th, 6th, 8th, 9th, 10th में भी जानते होंगे कि आप लोगों को पैसेज दिया रहता था, उससे रिलेटेड आप लोगों को 9-10 सवाल देखने को मिलता था जिसका आप लोगों को जवाब देना होता था उस पैसेज को पढ़ के, कि हाँ उस पैसेज में से क्या क्या बन रहा है, क्या उसका समरी निकल रहा है और क्वेश्चन जो भी है वो वहां पर किस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए उस पैसेज में से। ठीक है, बस वही है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बोलने का मतलब एक तरह का ऐसा समझ लेना कि हाँ पैसेज ही रहता है लेकिन वहां पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ रहता है, फिलर्स, जिसे आप लोगों को फिल करना होता है, जो गिवन वर्ड्स रहते हैं उससे आप लोगों को फिल करना होता है ताकि वो जो पैसेज है वो कंप्लीट हो जाए अप्रोप्रिएट वर्ड से। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह वो एक मीनिंगफुल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। ठीक है, फिलर्स, फिलर्स बोलने का मतलब सिंपली आप लोग समझिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, जिसे हिंदी में कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना या रिक्त स्थानों को भरे। सेंटेंस एरर बोलने का मतलब ग्रामेटिकल एरर्स बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के एरर्स से रिलेटेड जितने भी, जहां पर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का यूज करके या पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आप लोग जानते होंगे या उसका नॉलेज होगा, उससे रिलेटेड आप लोगों को यहां पर देखना होता है कि हाँ कौन सा क्या सही है, कौन सा क्या गलत है। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल्स और सेंटेंस रिअरेंजमेंट्स और वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप बोलने का मतलब होता है ना, एक आप लोगों को सेंटेंस गिवन रहेगा, उसमें आप लोगों को ब्रेकेबल आप लोगों को पार्ट्स में दिया रहेगा कुछ वर्ड्स, जिसे आप लोगों को अरेंज करना है सही ऑर्डर में, सही क्रम में या प्रॉपर सीक्वेंस में, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसको बना दे। ठीक है, जो भी सेंटेंस गिवन है, क्योंकि वहां पर जो है ना, वो जहां पर प्रॉपर वर्ड आना चाहिए वहां पर कोई और वर्ड डाला हुआ रहेगा, उसे ही आप लोगों को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ठीक है, बाकी आप लोग मतलब टीचर्स को फॉलो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, और जो पहले से तैयारी करते हुए हैं बोलो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब माहिर भी हो चुके होंगे, प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे तो काफ़ी इम्प्रूव भी बोलो कर चुके होंगे। मैच द कॉलम और इनकरेक्ट और रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे स्पेलिंग वगैरह कोई गलत है उसे आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है कि हाँ भैया ये स्पेलिंग आपका गलत है। ठीक है, अब उसके अलावा ये तो हो गया सिलेबस, या ये हो गया आपका पोर्शन, या ये हो गया आपका टॉपिक्स। ठीक है, कहाँ से फॉलो करना है, तो इंग्लिश के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए अगर बात किया जाए तो तरुण ग्रोवर सर बहुत ही अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा ये आप लोगों को कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स इनका, एक्चुअली कंटेंट जो भी रहता है ना बिल्कुल टॉप नॉच का, बिल्कुल ए ग्रेड का रहता है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इनसे सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब पर भी ये पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर इन्होंने ऑलरेडी पूरा का पूरा जो ग्रामर हो गया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा का सारा विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्होंने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर दिया है, बोलने का मतलब सारा का सारा ये कंप्लीट करके रखे हुए हैं यूट्यूब पे। आप लोगों को इनका जो भी प्लेलिस्ट है ना, या जो भी इनका इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी अपने ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है, फिर से मैं उसे रिपोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर से कम प्लेलिस्ट है इजीली अवेलेबल हो जाए और आप लोग उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं, मैं सच बताता हूँ काफ़ी अच्छे टीचर हैं। उसके अलावा होता क्या है ना कि मान लीजिए कभी किसी एक टीचर से आप लोगों का बॉन्डिंग या तालमेल नहीं बैठ रहा है, या एक तरह का जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे टीचर के बारे में अगर बात किया जाए तो निमिषा मैम है, काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, बैंक एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं। इनका निमिषा बंसल नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसका भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और इनका भी जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह है इन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे तरुण सर की तरह ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस एंड इवन कुछ कॉन्सेप्चुअल सेशंस भी करवा रखे हैं, उनका मैं आप लोगों को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके अलावा इंग्लिश में आप लोगों को सेक्शन टेस्ट का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज इंग्लिश जो है ना कभी भी सिर्फ किसी टीचर को फॉलो करके आप लोग पूरी तरह सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा नीड होता है, बिकॉज इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है जिसे आप लोग जितना ही ज़्यादा बोलेंगे, जितना ही ज़्यादा आप लोग मतलब अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, समझ में आएगा, उससे आप लोग यूज टू होंगे, आप लोग उसके मतलब हैबिचुअल होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है ना, रीडिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। द हिंदू का जो एडिटोरियल का सेक्शन है उस पर आप लोगों को मूव करना चाहिए। ठीक है, एडिटोरियल जो होता है ना उसे आप लोगों को खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से आप लोगों को अंडरस्टैंड करने का अपना जो शक्ति है, जो भी आप लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे आप लोगों को इंग्लिश में तभी इम्प्रूव होगा, तभी आप लोगों का स्ट्रांग होगा जब आप लोग रीडिंग करेंगे। जब तक आप लोग खुद से रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को फायदा टीचर को फॉलो करने के बावजूद नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश
जो है ना मोस्टली डिपेंड करता है आपके रीडिंग स्किल्स पे। रीडिंग का जो भी आप लोगों का नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, किस तरीके से आप किसे देख रहे हैं, आप लोगों का थीम वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक बात मैं इसमें और एड ऑन करना चाहूँगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश का एडिटोरियल का वीडियोस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, वो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लगेगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि चलो यार, जब इंग्लिश का एडिटोरियल आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में मिल ही रहा है, टीचर करवा ही रहा है, तो खुद से क्यों मेहनत किया जाए। तो मैं सच बता रहा हूँ, जब जिस चीज़ को टीचर करवा रहा है ना, तो फायदा भी उसी को होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब टीचर को देखने के बाद आप लोग खुद पे उसे फॉलो करने का, इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। ठीक है ना, टीचर अगर आप लोगों को एडिटोरियल वीडियो के फॉर्म में दे रहा है ना, तो उससे टीचर का एक्चुअली ज़्यादा फायदा हो रहा है और टीचर के एक्चुअली जो वीडियोज वगैरह में व्यूज है ना, वो मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट का जो समझने का शक्ति है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग स्किल है ना, वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब उसके अलावा आप लोगों को जितना भी प्लेलिस्ट है वो मैंने बोला मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आरसी का डेली एक सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्लोज टेस्ट का आप लोगों को एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए और पैरा जंबल्स का एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। एरर बेस्ड क्वेश्चंस के आप लोगों को 20 या 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आप लोगों का ओवरऑल जो मिक्स प्रैक्टिस है वो होता रहे इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर है, फ्रेशर है, तो सबसे पहले 10 से 12 दिन 15 दिन आप लोग कोशिश करें कि चीज़ों को देखें, समझें, कुछ कंप्लीट करने का कोशिश करें, तब जाके आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। बिकॉज जब आप लोगों को कुछ आएगा ही नहीं सही से, तो प्रैक्टिस आप लोग किस चीज़ का करेंगे, किस टॉपिक का करेंगे, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भैया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आप लोग उसका क्या आंसर देंगे। ठीक है,